पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं राजधानी भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में दर्जनों लोगों को प्लॉट दिखाकर एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम कराने वाला कुख्यात जालसाज भूमाफिया राहुल चौहान अब कानून की गिरफ्त में है। आपको बताते चलें कि राहुल चौहान के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की कई शिकायतें विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दर्जनों लोगों को सस्ती प्रॉपर्टी देने के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने वाला जालसाज राहुल बड़े ही शातिर तरीके से अपने साथी शिवम नामदेव के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देता था। राहुल चौहान अपने शातिर दिमाग के चलते कई शिकायतों में वांछित होने के बाद भी लंबे समय से फरार था। हालांकि शिवम नामदेव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। काफ़ी लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि एक राहुल चौहान नाम का व्यक्ति है जो लोगों को प्लॉट देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, और उसने करीब 40 से 50 लोगों के साथ में पैसे लिए, उनसे उनको एक जगह दिखाई और जगह दिखाने के बाद में उनके साथ में ना तो उनको रजिस्ट्री की ना ही उनको वो जमीन दी गई और सभी लोगों के पैसे लेकर के ये फरार हो गया था। इस पर शिकायतों में थाना अयोध्या नगर में 3 प्रकरण 420 406 120 के अंतर्गत राहुल चौहान और शिवम नामदेव के विरुद्ध पंजीकृत किए गए थे, पर जब इसकी तलाश की गई तो ये आरोपी इसमें राहुल चौहान मिल गया था। इसको अरेस्ट किया गया, इसको कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।